फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे। देखिए, ये एक एफएमसीजी का ऐसा स्टॉक है जिसने अपने शेयर होल्डर्स को 56% रिटर्न देकर करोड़पति बना दिया। शेयर की कीमत पिछले 4 साल में 100,000% से ज़्यादा जड़ चुकी है। अब स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट 1 अक्टूबर है। इतना ब्लॉकबस्टर रिटर्न देने वाली एक कंपनी इंटीग्रेटेड 1995 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी एंड कंपनी करंट में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स और अन्य प्रोसेस्ड फूड आइटम्स का कारोबार करती है। गाइस, कंपनी अगर आप देखोगे, इसका जो फेस वैल्यू लगभग 10 रुपये का देखने को मिलता है। और फुली पेड अप इक्विटी शेयर है, 1 रुपये की फेस वैल्यू वाला 10 फुली पेड अप इक्विटी शेयर में तोड़ेगी ये, ठीक है। तो ये कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले एक फुली पेड अप इक्विटी शेयर को 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 फुली पेड अप इक्विटी में तोड़ेगी। स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट 1 अक्टूबर तय की गई। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखोगे लगभग 800 करोड़ का देखने को मिलता है। जून 2024 के आखिरी तक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज में प्रमोटर्स के पास 51.56% तक की हिस्सेदारी थी। पिछले 1 साल में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत लगभग 164% तक बढ़ चुकी है। फिलहाल आप देखोगे 1 साल में इसने मोटा मोटा वही 160% तक का रिटर्न दिया है। गैस इंटीग्रेटेड एसेंचा के शेयर की कीमत अभी आप देख रहे हो 398 पे चल रही है, ठीक है। और अगर आप देखो पिछले 5 साल में 66,000% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। गैस अगर ये डिप ना देखा कोई नहीं देखे कोई तो आप देखोगे तो लगभग आप देखिए 67,000 तक का, मतलब बहुत तगड़ा ये अगर स्टॉक चढ़ा है आने वाली ही। और मैक्सिमम में आप देखोगे तो कोई रिटर्न नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4,000% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। गैस अप्रैल जून 2024 क्वार्टर में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज की नेट सेल्स सालाना आधार पर 462% तक के साथ 22.48 करोड़ रुपये हो गई है। एक साल पहले ये 4 करोड़ रुपये पे थी। जून 2024 क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 225 मैं बता दूँ प्रतिशत बढ़कर 0.26 करोड़ रुपये पे पहुंच गया, जो जून 2023 में 0.08 करोड़ रुपये पे था। ईबीटा 47.62% की बढ़ोतरी के साथ 0.31 करोड़ रुपये पे रहा है, जो एक साल पहले 0.22 करोड़ रुपये पे था। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स घरेलू बाजार के साथ साथ विदेश में भी बिकते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और आप देख सकते हो स्प्लिट करने जा रही है, रिलेटेड बहुत सी चीज़ें भी निकल कर आ रही हैं सामने। एंड गाइस पता क्या है, कहा जा रहा है कि अगर आप देखोगे तो 21 सितंबर इसमें मैं आपको दिखा दूँ 21 सितंबर 2020 के आसपास यहाँ पर जाएंगे आप, ये यहाँ की साइड देखिएगा, देखिए ये अक्टूबर आ गया, 1 सितंबर आ गया, मतलब 21 सितंबर को आप देखिए कितने पे 0.32 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। एंड भाई 4 साल में इसने लगभग आप ये देख रहे हो रिटर्न, ये आप देख रहे हो। मैं क्यों कह रही हूँ कि उसने 1 लाख परसेंट तक का रिटर्न दिया है। देखिए 1,32,650% तक का रिटर्न दिया है इसने। 4 साल में लोगों का 10,000 रुपये 1 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया है। 5,000 का 58 लाख रुपये, 5,000 रुपये की रकम 58,63,200 रुपये बन चुकी होगी। और जिन्होंने भी 4 साल पहले लगाया होगा उनका 10,000 रुपया अभी तक अगर सेलिंग नहीं की होगी तो अमाउंट बढ़कर 1 करोड़ तक जा पहुँचा होगा। सो गाइस ऐसी कंपनीज कहाँ है यार, बहुत कम मिलती है और बहुत स्टडी करने से मिलती है। तो मैं आप लोगों के लिए स्टॉक लेकर आई हूँ, तो थोड़ा देखिए आप इसको, स्टडी करें। एंड जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल समझाना चाहूँगी कि इंडस्ट्री भी 36 है, स्टॉक भी 28 में, सभी आपको अंडरवैल्यूड मिल रही है। ROE काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलते हैं, पर मार्केट कैप 764 इधर देखने को मिल रहा है, ठीक है 764 करोड़ का तक का। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देख ली, FI की होल्डिंग भी एज इट इज काफ़ी अच्छी बनी हुई है। DI ने अपनी होल्डिंग को कम कराया, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया है। बैलेंस शीट पे जाओगे तो कंपनी के पास रिजर्व 124 है, बट कर्जा 1 भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में गाइस रिवेन्यू 5 से सीधा 452 में पहुंचा है और प्रॉफिट सीधा 137 करोड़ पे पहुंच चुका है। क्वार्टरली मैंने जैसे नंबर कंपेयर करके बताए थे, 19 से सीधा 140 करोड़ पे पहुंचा है और वही नेट प्रॉफिट 1 से लेकर 13 करोड़ पे पहुंचा है। तो बहुत शानदार क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस, इसका बैलेंस शीट सब कुछ अच्छा देखने को मिलता है। तो आप स्टडी करके चेक करके आप इस पर इन्वेस्ट करके चल सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी पर्पज से फोकस पर्पज से ये स्टॉक है। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 9 हो तो लाइक करना मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू।